जो आपने कहा है ना, ये जो थ्रेट अलर्ट अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है। ये एक बाकायदा तौर पे पाकिस्तान को एक इन्फॉर्मेशन मिली है, और वह इन्फॉर्मेशन ये है कि 28 फरवरी को 4 बजे एक मीटिंग हुई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि अफ़गानिस्तान में इनके कुछ लोग मौजूद हैं, और NDS और रॉ के ऑफिशल्स ये शरीक हुए हैं। ये कंधार में हुई है, मायना ब्लॉक में हुई है अफ़गानिस्तान में, जिसमें शरीक कौन हुए हैं ये भी आप सुन लें। मौलवी मोहम्मद नबी उर्फ तूरी, मुल्ला उर्फ बाबा तालिबान, XTTP के ये लोग हैं, ये शरीक हुए हैं। और इसमें प्लानिंग जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद हुई हैं, इसमें ये कहते हैं कि जनाब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की जाएं, और वो क्योंकि पाकिस्तान ने इंडियन जहाज़ गिराए हैं, इसका बदला लेना बहुत ज़रूरी है। अब अफ़गानिस्तान NDS और रॉ भी वहाँ पर बैठे हैं, बहुत ज़रूरी है जहाज़ों का बदला, लिहाजा उनका क्या करना है जी, बलूचिस्तान के इनसाइड कोई किया जाए अटैक, और ख़ास तौर पर CPAC के प्रोजेक्ट को सबोटाज करने के लिए कुछ किलिंग्स की जाएँ, और कुछ चाइनीज़ को अगवा किया जाए पाकिस्तान के एरिया से। ये अब इस हद तक, ये हमें पहले भी एक दिन पहले भी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अब वो इस तरीके से आएंगे, टेररिस्ट एक्टिविटी कलदम तंजीमें। वैसे तो पाकिस्तान पे तो बहुत प्रेशर डाला जाता है, पाकिस्तान तो कर भी रहा है, कलदम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, आलमी जो एक रिक्वायरमेंट्स है UN की वो भी पूरी कर रहा है। लेकिन हमारे जो कलदम तंजीमों के और उनके जो दोस्त हैं, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, उनको पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं वो क्यों उनको वहाँ पे बैठ के ऑपरेट करने देते हैं, उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती। कुलभूषण यादव क्यों ईरान में बैठ के ये सब कुछ कर रहा था, अफ़गानिस्तान में इंडिया क्या कर रहा है, और ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान पे तो सारा दबाव है लेकिन पाकिस्तान के दुश्मनों को भट्टी साहब